जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान दो जवान शहीद हुए, एक आतंकी भी मार गिराया गया है। इलाके में एक से दो आतंकियों के छिपे होने की आशंका, सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी की है। जम्मू कश्मीर के शोपिया में बीजेपी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष गौहर भट्ट की हत्या, शोपिया के किलूर गांव से शव मिला है। गौहर भट्ट की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक शरीर पर चोट के भी कई निशान हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने ट्वीट कर भट्ट की हत्या पर दुख जताया, लिखा बीजेपी गौहर के परिवार के साथ है। बीजेपी महासचिव राम माधव ने 3 दिन पहले गौहर से मुलाकात की थी, कहा बीजेपी ने आतंकवाद से लड़ने की कीमत चुकाई है। हिजबुल आतंकी सैयद सलाहुद्दीन के बेटे पर कार्रवाई, जम्मू कश्मीर सरकार ने कृषि विभाग से सस्पेंड किया, हवाला फंडिंग मामले में एनआईए ने अरेस्ट किया था। जम्मू कश्मीर के बडगाम में शहीद मेजर सोमनाथ शर्मा को श्रद्धांजलि दी गई। मेजर शर्मा परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले पहले सैन्य अधिकारी थे। जैश ए मोहम्मद के चीफ आतंकी मसूद अजहर को लेकर चीन के रुख पर भारत ने निराशा जताई, आतंकवाद पर दोहरे रवैये को लेकर भी सचेत किया है। भारत ने आतंकवाद को लेकर चीन पर संकीर्ण मानसिकता का आरोप लगाया, कहा एक देश ने अंतर्राष्ट्रीय आम सहमति को रोक दिया है। चीन ने मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित करने के प्रस्ताव पर वीटो लगा दिया था। भारत की अपील पर यूएनएससी में प्रस्ताव पेश किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर बाद दिल्ली में वर्ल्ड फूड इंडिया 2017 का उद्घाटन करेंगे। कई फूड कंपनीज के प्रमुख इसमें हिस्सा लेंगे। खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय ने 3 दिन के मेले का आयोजन किया। किसानों की आमदनी को दोगुनी करना इस मेले का लक्ष्य है। सूरत से गिरफ्तार किए गए आईसिस के संदिग्ध आतंकी उबैद का वीडियो सामने आया। वीडियो में आतंकी हवा में फायरिंग करता नजर आया। भोपाल गैंगरेप मामले में एमपी नगर थाने के एसआई सस्पेंड, डीआईजी ने थाने की सीसीटीवी फुटेज देखी। भोपाल गैंगरेप मामले में मुख्यमंत्री ने संज्ञान लेते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई के निर्देश दिए। पुलिस पर कार्रवाई के निर्देश दिए। भोपाल के हबीबगंज इलाके में आरपीएफ थाने के पास से छात्रा को अगवा किया गया। गैंगरेप के बाद गला दबाकर मारने की कोशिश की गई। यूपी के संभल में महिला से गैंगरेप, पति और उसके 4 दोस्तों पर आरोप लगाया, पुलिस ने जांच शुरू की। झारखंड के लातेहार में जी न्यूज की खबर का असर, करीब 3 साल से बंद स्कूल का जिला प्रशासन ने निरीक्षण किया है। नियोजित शिक्षकों पर हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, बिहार सरकार देगी, आरजेडी ने विरोध किया है। बिहार के कृषि मंत्री का लालू यादव पर पलटवार, कहा 15 साल के शासन में गरीबों के लिए कुछ नहीं किया, अब सवाल उठा रहे हैं। कर्नाटक में आज सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स बंद रहेंगे, राज्य सरकार के नए मेडिकल बिल का विरोध जताया जाएगा। चेन्नई में भारी बारिश की वजह से निचले इलाकों में पानी भरा, अलर्ट के बाद आज स्कूल बंद है। बिहार के मोतिहारी में ट्रक और बाइक की टक्कर, बाइक सवार की मौके पर मौत, ड्राइवर मौके से फरार हुआ। मध्य प्रदेश के भिंड में स्टेशन मास्टर को गोली मारी, हालत गंभीर, अज्ञात हमलावरों की तलाश जारी। सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल सरकार को बड़ा झटका, कोर्ट ने पहली नजर में एलजी को दिल्ली का बॉस माना है। कोर्ट ने माना है कि मतभेद के हालात में एलजी मामले को राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं। 7 नवंबर को अगली सुनवाई होगी। आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में बोलने नहीं देने से कुमार विश्वास नाराज, कहा मेरे बोलने से भी डरते हैं। शिवसेना ने घोटालेबाज बीजेपी नाम से एक बुकलेट तैयार की, जवाब में बीजेपी ने बीएमसी घोटालों की बुकलेट निकालने की धमकी दे दी। यूपी निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका, पूर्व केंद्रीय मंत्री जतिन प्रसाद के भाई और भाभी बीजेपी में शामिल हुए। कौशाम्बी में बीजेपी विधायक शीतला प्रसाद पटेल के परिवार को जान से मारने की धमकी मिली, पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। दिल्ली के एमसीडी स्कूल में टीचर पर 5वीं क्लास के छात्र को पाइप से पीटने का आरोप लगा, स्कूल की कॉपी में होमवर्क करने को लेकर पिटाई की। पीड़ित परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, स्कूल का दावा है घटना वाले दिन छात्र स्कूल आया ही नहीं। गुरुग्राम में रिश्वत लेने के आरोप में ट्रैफिक पुलिस के एएसआई को सस्पेंड किया गया, ऑटो ड्राइवर से चालान न करने के लिए पैसे मांगने का आरोप है। मध्य प्रदेश के भिंड रेलवे स्टेशन मास्टर को अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी, गंभीर हालत में ग्वालियर रेफर किए गए। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में 8वीं की छात्रा के साथ गैंगरेप, 3 आरोपी गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के शामली में होमवर्क न करने पर टीचर ने बच्चे को बुरी तरह से पीटा, शिकायत करने पर स्कूल से निकाल दिया। यूपी के बहराइच में ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा, 8 ठग गिरफ्तार, एक विधायक को भी ये अपना शिकार बना चुके हैं। राजस्थान के झालावाड़ में आपसी विवाद के बाद 2 गुटों में चाकुओं से हमला, हमले में 2 युवक घायल हुए हैं। हैदराबाद के नारायणा कॉलेज में एबीवीपी का हंगामा, प्रिंसिपल सुइसाइड केस में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। एबीवीपी ने कॉलेज के डीजीएम पर महिला टीचर्स के उत्पीड़न का आरोप लगाया, जल्द ही गिरफ्तार करने की मांग की। वाराणसी में देव दिवाली की तैयारियां पूरी हुई, मंदिरों और घाटों को सजाया गया है। कोयम्बटूर में कॉलेज के छात्रों ने फीस के पैसे भरने के लिए सड़क पर बैठकर भीख मांगी, कॉलेज ने ट्रांसफर सर्टिफिकेट देने से मना किया।
बाजार में रिकॉर्ड तेजी, सेंसेक्स 33,692 के स्तर पर, निफ्टी 10,461 की ऊंचाई पर खुला। मुंबई में फिल्म इत्तेफाक की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई, कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज पहुंचे, सिद्धार्थ मल्होत्रा, सोनाक्षी सिन्हा फिल्म में लीड रोल में हैं।